हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एल्काइन्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने देखा है कि दो तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं। एक हाइड्रोकार्बन जिसे हम एल्केन कहते हैं, जो कि पूरी तरह संतृप्त होता है, फुल्ली सैचुरेटेड होता है, और दूसरी तरह के हाइड्रोकार्बन जैसे एल्कीन है, जिसमें दो हाइड्रोजन एटम लेस होते हैं एल्केन से, और उनके पास एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड सॉरी एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसी प्रकार एक अनदर क्लास जो होती है हाइड्रोकार्बन्स की, उन्हें हम एल्काइन्स कहते हैं, विच आर मोर हाईली अनसैचुरेटेड देन इवन द एल्कीन। एल्कीन से भी ज्यादा वो असंतृप्त होते हैं। एल्काइन्स ट्रिपल बॉन्ड इन मॉलिक्यूल। एल्काइन्स जो हैं वो चार हाइड्रोजन लेस होते हैं एल्केन से, और वो प्रेजेंस दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ ए ट्रिपल बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ दिस सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन इज एसिटाइलीन, और इसी के नाम से एसिटाइलीन CHCH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, और हेंस दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एसिटाइलीन्स। And the triple bond is often referred to as acetylenic linkage. अब हम इसका structure के बारे में देखते हैं। Let us consider the acetylene for illustrating the orbital makeup of alkynes. In acetylene, the carbon of atoms are sp hybridized. इनका संकरण जो होता है sp होता है, एक दूसरे से वो sigma bond और एक pi bond के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड रिजल्ट जो होता है रिजल्ट बाय द ओवरलैपिंग ऑफ टू एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। द पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म फ्रॉम द सेपरेट ओवरलैप ऑफ टू पी ऑर्बिटल्स फ्रॉम टू एडजेसेंट कार्बन एटम। पास पास वाले दो पी कक्षकों के अतिव्यापन के कारण पी कक्षक बनता है और एसपी कक्षक के कारण सिग्मा बंध बनता है। हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में भी सिग्मा बंद होता है, एसपी और एस बंद का उसमें अतिव्यापन होता है। तो जैसा कि हम देखते हैं, दो पी कक्षकों के द्वारा अतिव्यापन से पाई बंद बन रहा है, और एक सिग्मा बंद का एसपी संकरण के कारण इसमें सिग्मा बंद बनता है। तो इसमें सी ट्रिपल बॉन्ड सी की लंबाई जो होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है। C और H के बीच में लंबाई है 1.09 एंगस्ट्रॉम होती है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के बीच में और कार्बन हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड के बीच में इसमें 180 डिग्री का एंगल होता है, इसीलिए इसको ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होती है, लीनियर होती है। तो अदर एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन एटम फॉर्म सिग्मा बॉन्ड with another carbon or hydrogen atom. Acetylene therefore is a linear molecule. तो हम देखते हैं कि क्या क्या हम इसको acetylene के structure में हमें याद रखना है। The carbon-carbon triple bond is in alkyne is made up of one sigma and two pi bonds. एक sigma bond और दो पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में उपस्थित होते हैं एसिटिलीन में। दूसरा जो पॉइंट हमें याद रखने का है वो एल्कीन की तरह एल्काइन भी जो है योगात्मक अभिक्रिया देती है, अंडरगो एडिशन रिएक्शन। दीज रिएक्शंस आर ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ मोर एक्सपोज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसा एडिशन रिएक्शन इसलिए देती है क्योंकि इनके पास ज्यादा पी कक्षक के इलेक्ट्रॉन्स की उपलब्धता होती है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे एल्काइन जो है एसिडिक इन नेचर होता है। एसिटिलीन एंड वन एल्काइन्स आर एसिडिक इन नेचर बिकॉज दे रेडिली डोनेट प्रोटॉन्स टू स्ट्रॉन्ग बेस। एसिटिलीन्स एंड वन एल्काइन्स जो है अम्लीय होते हैं नेचर में, क्योंकि वो आसानी से अपना प्रोटॉन स्ट्रॉन्ग बेस को दे सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे ये RH और CHCH है, ये
कोई भी बेस यदि इससे अभिक्रिया करता है एसिटिलीन से, तो आसानी से ये अपना हाइड्रोजन उस बेस को दे देता है और इसके ऊपर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। Moreover, acetylene is stronger acidic than ethylene, which in turn is a strong acid than ethane. The acidity of acetylene or one alkyne can be explained by the atomic orbital description of CH bonds. CH bond के atomic orbital की संरचना के description के आधार पर हम दे सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं s इलेक्ट्रॉन जो है p इलेक्ट्रॉन के सबसे इनमें दोनों में 50-50% s कैरेक्टर है, क्योंकि इनमें दोनों 50-50% इस संकरण में हाइब्रिडाइजेशन में s कक्षक और p कक्षक दोनों बराबरी के हिस्सेदार होते हैं। इसका मतलब दोनों में परसेंट कैरेक्टर s कैरेक्टर भी 50 है और p कैरेक्टर भी 50 है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर 33% है, sp3 में 25% s कैरेक्टर है। तो जो s कैरेक्टर जिसमें सबसे अधिक होता है इलेक्ट्रॉन, उसमें s कक्षक के पास सबसे ज्यादा रहते हैं। तो sp संकरण में s कैरेक्टर 50% होने के कारण इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल के सबसे नजदीक आकर्षित रहते हैं, नाभिक से सबसे ज्यादा पास में रहते हैं, क्योंकि नाभिक का आकर्षण उनके s कक्षक के इलेक्ट्रॉन पर सबसे अधिक है। इसका मतलब उनसे हम आसानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं। तो इस कारण हाइड्रोजन जब आसानी से विस्थापित कर लेंगे तो वो हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति ज्यादा दिखाएगा। जैसा कि हम जानते हैं हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है, एज आयन अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। जिस भी व्यवस्था से हम हाइड्रोजन को आसानी से हटा सकते हैं वो अम्लीय प्रकृति दिखाएगा। इसी प्रकार इसीलिए हम कह सकते हैं कि एसिटिलीन से हम हाइड्रोजन आसानी से हटा सकते हैं, क्योंकि इसमें sp संकरण होता है और s कैरेक्टर 50% होता है। Therefore, the more s character there is in hybrid atomic orbital, the closer the electron to the bond or to the nucleus. The amount of s character in various hybrid orbitals are as follows. The s character of CH bond of acetylene or alkyne sp-s bond is greater than that of the alkene and an alkane. Thus, the electron of the CH bond in acetylene are more strongly held by the carbon nucleus. This makes it easier to remove hydrogen from triple bond CH as a proton. Now we come to the nomenclature. Nomenclature में हम कैसे इसका नामकरण कर सकते हैं? कॉमन सिस्टम में हम CH ट्रिपल बॉन्ड CH को हम एसिटिलीन बोलते हैं। डिराइव्ड सिस्टम में हमको जैसे इस एसिटिलीन सी ट्रिपल बॉन्ड C पे दोनों तरफ मिथाइल समूह जुड़े हुए हैं तो डाई मिथाइल एसिटिलीन बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल एसिटिलीन, फिनाइल एसिटिलीन, इस प्रकार को हम इसको डिराइव सिस्टम में बोलेंगे। IUPAC नेमिंग में इसको हम एथेन का ANE हटाकर हम इसको YNE लिखते हैं, इससे इस प्रकार इसका नामकरण हम करते हैं। तो YNE लगाएंगे तो एथ के बाद ANE हटा के तो एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन एंड वन ब्यूटाइन, टू ब्यूटाइन, टू पे यदि एसिटिलीन ट्रिपल बॉन्ड है तो टू ब्यूटाइन, वन पे है तो वन ब्यूटाइन। तो इस हाइड्रोजन को हटाने के बाद जो हमें मूलक प्राप्त होता है उसे इथाइनाइल या एथाइन का ई हटके वाई एल लग जाता है। यदि उसका रेडिकल एच को हम हटा देते हैं तो ई हटके वाई एल इथाइनाइल या प्रोपाइनाइल इसका नामकरण हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम एसिटिलीन को बना सकते हैं
Now we come to methods of preparation. Alkynes are prepared by the following methods. First method है जिससे कि हम alkyne बना सकते हैं, dehydrohalogenation. Hydrogen और halogen के निष्कासन से हम किस प्रकार विसिनर डाइहैलाइड से एसिटिलीन को बना सकते हैं. Now dehydrohalogenation of vicinal dihalides, compounds that contain halogen atoms on adjacent carbon atoms are called vicinal. Vicinal किसको कहते हैं? ऐसे compound जिनके दोनों पास पास वाले carbon पर यदि halogen atom लगा हुआ है तो उसे हम जैसे कि ये vicinal, ये दो पास पास वाले carbon है, इन दोनों पर ये Br इस पे लगा हुआ है और पास वाले carbon पर भी Br लगा हुआ है. ऐसे कंपाउंड जिनमें दोनों पास पास वाले कार्बन पर हैलोजन लगा हुआ है तो हम उसे विसिनर डाइहैलाइड्स कहेंगे. विसिनर डाइहैलाइड्स को यदि हम स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेस या एल्कोहलिक KOH या NaNH2 से अभिक्रिया कर हीट करवाते हैं तो हमें विनाइल हैलाइड प्राप्त होता है और इनके साथ H2 और KBr रिमूव हो जाता है. तो इस प्रकार NaNH2 और एल्कोहलिक KOH-Q3 हम एल्काइन्स और विनाइल हैलाइड्स बना सकते हैं. नोटिस दैट प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट HBr एलिमिनेशन इज ए सब्स्टिट्यूटेड विनाइल ब्रोमाइड. द विनाइल हैलाइड्स आर अनरिएक्टिव एंड स्ट्रॉन्गर बेस इज यूज्ड टू रिमूव सेकेंड HBr मॉलिक्यूल. NaNH2 इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम सेकेंड HBr मॉलिक्यूल को भी हटा सकते हैं और हमें एसिटिलीन प्राप्त हो जाती है. इसी प्रकार 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन से हम प्रोपाइन बना सकते हैं और इनसे भी हम प्रोपाइन बना सकते हैं. नाउ सेकेंड प्रिपरेशन डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड. टेट्राहैलाइड के हैलोजनीकरण के द्वारा भी यदि हम इसको जिंक डस्ट और एल्कोहल से अभिक्रिया करते हैं, हीट करते हैं एल्कोहल के प्रेजेंस में, तो हमें एल्काइन प्राप्त होती है और उसके तो चारों हैलोजन एटम्स जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं. दिस रिएक्शन इज नॉट ग्रेट यूटिलिटी ऑफ प्रिपरेशन क्योंकि बिकॉज टेट्राहैलाइड्स आर देमसेल्फ जनरली मेड बाय एडिशन ऑफ क्योंकि हमको रेडी ये एडिशन से ही बनाए जाते हैं हैलोजन टू एल्काइन्स. इसलिए इससे एल्काइन बना के वापस इससे एल्काइन बनाना कोई इकोनॉमिकली संभव मतलब प्रॉफिटेबल नहीं होता है. रिएक्शन ऑफ सोडियम एसिटिलाइड विद 1 degree ऑफ एल्किल हैलाइड. एसिटिलीन प्लस सोडियम की उपस्थिति में यदि हम करते हैं तो सोडियम एसिटिलाइड बनता है और इस सोडियम एसिटिलाइड से फिर हम और एल्काइन से सोडियम एसिटिलाइड एन ए मतलब इसका हाइड्रोजन जो है वो अम्लीय हाइड्रोजन होने के कारण सोडियम लिक्विड अमोनिया से अभिक्रिया करते हैं तो ये सोडियम एसिटिलाइड बनाता है with liquid ammonia in presence of sodium. The sodium salt of ये जो sodium acetylide है इसको यदि methyl bromide से अभिक्रिया करते हैं तो हमको salt react with primary alkyl halide to form alkynes. तो हम इससे higher number of carbon वाला alkynes इस विधि से बना सकते हैं. और fourth विधि जो है वो लेबोरेटरी प्रिपरेशन है. इसको कैल्शियम कार्बाइड को यदि हम वाटर की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं तो हमें एसिटिलीन प्राप्त होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकल जाता है. फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं द फर्स्ट 3 मेंबर्स आर गैसेस, नेक्स्ट 8 लिक्विड्स एंड हायर एल्काइन्स आर सॉलिड. तो पहले 3 मेंबर्स तो जो है वो गैस होते हैं, बाद वाले नेक्स्ट जो होते हैं वो लिक्विड है और उनके हायर नेक्स्ट 8 लिक्विड है और उनके 8वें कार्बन के बाद जो भी हैं वो सॉलिड्स हैं. दे आर ओनली स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर
बट डिजॉल्व रेडी इन लीन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आसानी से घुल जाते हैं। और ये इसी प्रकार ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन, एसीटोन एंड इथाइल एल्कोहल। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जैसे हम जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट उनका और डिक्रीज होता जाता है और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाता है। देयर बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स आर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटीज शोज रेगुलर इंक्रीज विद द इंक्रीज इन मॉलिकुलर वेट। मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सम एल्काइन्स आर गिवन अबव। तो जैसे जैसे हम बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्काइन्स आर जनरली लिटिल हायर देन दोज ऑफ एल्कीन्स। तो हम एल्कीन्स और एल्काइन्स का यदि हम कंपेयर करें तो थोड़ा सा इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है ज्यादा होता है एल्काइन्स का। एल्काइन्स जनरली हैव स्लाइटर हायर बॉइलिंग पॉइंट देन कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कीन्स, जैसा कि हम आपको ऊपर बताया है। IR स्पेक्ट्रा में हम एल्काइन्स का यदि फाइंड आउट करना चाहते हैं तो CH स्ट्रेचिंग एब्जॉर्प्शन एट 33 सेंटीमीटर इनवर्स, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड गिव्स स्ट्रेचिंग एब्जॉर्प्शन पीक एट 2500 टू 2260। दीज एब्जॉर्प्शंस आर वीक एंड विल एब्सेंट इफ ट्रिपल बॉन्ड इज सिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड। यदि ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ यदि सममिति द्वारा प्रतिस्थापित हैं तो ये हमें पीक नहीं नजर आएंगे। यदि सममिति से नहीं है तो हमें सी एच स्ट्रेचिंग एब्जॉर्प्शन पीक 2100 टू 2260 सेंटीमीटर इनवर्स पर नजर आते हैं। नाउ यहां तक हमने आज एल्केन्स की प्रिपरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखा है और किस प्रकार एसिटिलीन अम्लीय प्रवृत्ति दिखाता है और कैसे हम हाइड्रोजन का इसका अम्लीय प्रवृत्ति होने के कारण ये अम्लीय प्रतिस्थापी अभिक्रियाएं भी देता है, ये इसकी स्पेशल रिएक्शंस होती हैं। वैसे ये एडिशन रिएक्शन देता है एल्कीन की तरह, ये इनकी स्पेशल केमिकल प्रॉपर्टीज होती है जिसे कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।